निकिता को न्याय दिलवाने के लिए जहां तमाम सामाजिक संगठन एकजुट दिखाई दिए तो वहीं पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए इस पूरे मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर 11 दिनों में ही 600 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इस दौरान पुलिस ने तमाम डिजिटल सबूत भी कोर्ट में पेश किए हैं। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में 60 लोगों को गवाह बनाया है। निकिता मर्डर केस में फरीदाबाद पुलिस ने आज रिकॉर्ड 11 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट 600 पेजों की है और उसमें करीब 60 विटनेसेस रखे हैं। फरीदाबाद पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन पूरे साइंटिफिक ग्राउंड्स पर की है, जिसमें मटेरियल, फोरेंसिक और डिजिटल एविडेंसेस को इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी विटनेसेस भी हैं और लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन भी है, जो इसको लड़के को सजा करवाने में हमारे काम आएगी। बहरहाल पुलिस चाहती है कि निकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द सख्त सजा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं निकिता हत्याकांड के बाद से ही लगातार जिस तरीके से शहर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और इसे शांत करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था, जिसको लेकर इस पूरे केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इतने कम समय में चार्जशीट पेश कर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोर्ट से अपील की है। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।